तो इस टॉपिक में बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट या करंट कलेक्टिंग जो सिस्टम जो अरेंजमेंट है वो क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में अभी तक दो टाइप के करंट कलेक्शन सिस्टम हैं, जिसमें से आपके पास पहला है थर्ड रेल सिस्टम और दूसरा है OHE यानी ओवरहेड सिस्टम। ठीक है, तो पहला देखते हैं थर्ड सिस्टम में क्या, ये ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है कि ओवरहेड सिस्टम में अपने पास ये अरेंजमेंट होता है। पेंटोग्राफ, ठीक है, या और भी टाइप होते हैं ओवरहेड करंट कलेक्शन करने के लिए, पेंटोग्राफ हो गए या फिर अपने पास ट्रॉली बो अरेंजमेंट वगैरह डिफरेंट टाइप के हैं, जो सिंपल जो व्हीकल चल रही है उसके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगे वहाँ से करंट कलेक्शन करती हैं, तो वो हो गया ओवरहेड का सिस्टम। और दूसरा है थर्ड रेल सिस्टम। बेसिकली थर्ड रेल सिस्टम में क्या होता है कि अपने पास ये जो दोनों दिख रहे हैं ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, जिसपे कोई भी लोकोमोटिव कोई भी इंजन रन करती है। अब इसको सप्लाई देने के लिए शुरुआती जब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये ट्रैक के साथ में एक एक्स्ट्रा ट्रैक, ये जो दिख रहा है आपको नीचे, ये ट्रैक रन करता था। इस ट्रैक में क्या था कि ये ट्रैक प्रॉपर इंटरवल पर से इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती थी, वही 600 वोल्ट या लगभग 1.5 किलो वोल्ट के आसपास डीसी सप्लाई इसमें आता था। और ये डीसी सप्लाई की मदद से इलेक्ट्रिकली चार्ज था और जो इंजन लोको इंजन चलती थी आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये व्हील हो गया और व्हील के बगल से एक अरेंजमेंट होता था जो अपने जो ये पावर रेल है, इसको थर्ड रेल बोलते हैं या रेल कंडक्टर या पावर रेल, ठीक, इससे ये कनेक्टेड होता था। ये बेसिकली स्टील अरेंजमेंट थी जो सप्लाई सिस्टम को देती थी, मतलब जो इंजन थी उसको सप्लाई देती थी इसके थ्रू कनेक्शन करके, तो हमारा ये थर्ड रेल सिस्टम था। तो बेसिकली ये थर्ड रेल सिस्टम में कुछ इशू भी थी, अब नीचे होना तो इसको आइसोलेट करने के लिए इंसुलेशन लगाना और भी चीज़ की दिक्कत थी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे थी। तो इसके बाद जो हमारा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ ओवरहेड सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड रेल सिस्टम में कुछ कुछ चीज़ों को जानने के लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं थर्ड रेल सिस्टम में हम लोग कि थर्ड रेल सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ों को देख लेंगे। ये एक नंबर जो दिख रहा है, ये एक नंबर जो हमारा जो एक नंबर है ये हमारा है, सॉरी, जो एक नंबर है ये हमारा है इंसुलेशन यानी ये कवर हो गया, दो नंबर है ये हमारा हो गया पावर रेल। पावर रेल कहने का मतलब ये एक नॉर्मल रेल से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें करंट कैरी होता है, तो इसमें थोड़ा इसके तुलना में इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक होता है बट इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, आई मीन ये वोल्टेज ड्रॉप कम कराती है। थर्ड है ये सेक्शन जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, चूँकि ये लाइव पार्ट है तो इसको ग्राउंड से अलग रखने के लिए ये इंसुलेटर लगाए जाते हैं। फोर्थ नंबर ये है आपका स्लीपर जिसमें ट्रैक रहते हैं, और पाँच नंबर है ये जो अपना ये रेलवे ट्रैक है। तो बेसिकली थर्ड रेल सिस्टम में कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। अब ये एक प्रैक्टिकल फोटो है, आप देख सकते हैं ये आपका रेल है, इसके इस तरफ भी एक और रेल होगा और ये ही है पावर रेल, लेकिन ये आपका इंसुलेटर हो गया, इस पे ये रेल लगा हुआ है और जो यहाँ पे इंजन खड़ी होगी उस इंजन का एक जो सिंपल जो करंट कलेक्टर होगा वो यहाँ पे आके रहेगा ऊपर से, वो ऊपर चिपक करके रन करता रहेगा। ये फोटो देख सकते हैं,
ये भी कुछ वैसा ही है, ये मेन ट्रैक है, इसके साइड में ये है पावर ट्रैक जो करंट सिस्टम को देती है। इसके अलावा कुछ जगह साइड से दो ट्रैक होते हैं और बीच में सेंटर, ये सेंटर में पावर रेल होते हैं। कुछ जगह पावर रेल साइड में होते हैं, कुछ जगह पावर रेल सेंटर में होते हैं। ये एक पिक्चर है किसी फॉरेन कंट्री का है जहाँ पे रेल सेंटर पे है। उसके बाद ये चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि पावर रेल में जो इलेक्ट्रिकल इंजन है उससे पावर लेने का जो उसका कनेक्शन है वो कैसे हो रहा है उसका आधार बांटा गया है। फॉर एग्जांपल के लिए टॉप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं कि जो ये कनेक्शन रहता है ये टॉप पे रहता है, ठीक। ये बेसिकली स्टील वगैरह का सिस्टम अरेंजमेंट रहता है जो जब टॉप से रहता है तो वो बाई ग्रेविटेशनल फोर्स से झुका रहता है जो कनेक्शन बना करके रखता है। लेकिन चूँकि रिजिड बॉडी है तो ये स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करता है और इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो जाती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड सिस्टम की तुलना में, ठीक है। ये आपका व्हील हो गया, ये आपका नॉर्मल रेल हो गया, ये स्लीपर हो गया, ये आपका पावर रेल हो गया, ये इंसुलेटर हो गया और इस पर ये कनेक्शन है, ठीक। इसको ट्रेन यहाँ ट्रेनसू का नाम दिया गया है। ये हो गया टॉप कॉन्टैक्ट विथ कवर, चूँकि अब मानिए पब्लिक कॉन्टैक्ट में आ सकते, उसको बचाने के लिए इंसुलेशन कवर लगा दिए तो ये टॉप कॉन्टैक्ट विथ कवर हो गया। उसी तरीके से ये पावर रेल को साइड से लगाए पड़े हैं तो ये आपका बॉटम कॉन्टैक्ट हो गया, ये बॉटम नीचे से चूँकि करंट जा रहा है और ये साइड से इसलिए साइड हो गया। अब देखिए चूँकि ऊपर से डाउनवर्ड है तो ये बाई ग्रेविटेशनल हो सकता है, लेकिन इसके केस में ग्रेविटेशनल नहीं होगा। इसके केस में आपको ये स्प्रिंग का अरेंजमेंट करके प्रॉपर प्रेशर देना पड़ेगा ताकि करंट कलेक्शन में कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं आए। इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आप पुश करके पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिएगा, डाटा वाइज है। जैसे थर्ड रेल इंसुलेशन एंकर आर्म आर लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच लॉन्ग सेक्शन विद द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी लिमिटेड इज 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर पर इसका लिमिटेशन है। इसके बाद एक कुछ सिस्टमेटिकल करके डायग्राम है कि आपका ये दो ट्रैक है, ये स्लीपर है, इसमें पावर ला रही है और उसका चूँकि कुछ कुछ सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए वैसा कोई मैंने के लिए यहाँ पे इसमें स्विचिंग किया जाता है जो लगभग इस कनेक्ट तरीके से आ करके इसमें मेन सप्लाई आएगी और ये थर्ड रेल को देगा और ये चार्ज होगा और इसका ये अरेंजमेंट बेसिकली रहता है। तो हमारा ये है आज का थर्ड रेल सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन।